आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पठान एक ऐसा नाम बन चुका है जिससे पीछा नहीं छूटने वाला किसी का भी। हम बात कर रहे थे शाहरुख खान ने हिस्ट्री बना दी है पहले ही दिन 100 करोड़ की कमाई कर। तब किसी को क्या पता था ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो दूसरे दिन शुरू हुई है। अच्छा आपको पता है या नहीं पता, पठान अभी तक बजट में 250 करोड़ के आसपास हुआ है, उसको प्रॉफिट में आने के लिए कम से कम 300 करोड़ का कलेक्शन करना जरूरी है। बस ये नंबर सुनते ही फिल्म रिलीज होने से पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि बॉलीवुड फिल्म आज के टाइम पे 300 करोड़ को टच नहीं कर सकती, पर जानते हैं असल में हकीकत में क्या हुआ है, फिल्म ने ऑलमोस्ट 2 दिन में अपने बजट को टच कर लिया है। जी हाँ आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, पठान का सेकंड डे का बॉक्स कलेक्शन बाहर आ चुका है और सबके होश उड़ा दिए हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड बचा नहीं है जिसके टूटने का इंतजार कर रहे हो। कल तो आपको पता चल गया होगा कि पठान ने इंडिया में 57 करोड़ का बिजनेस किया है नेट नंबर में। अगर इसे वर्ल्ड वाइड में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर 105 करोड़ का बन जाता है। और अब सेकंड डे की बात करते हैं तो फिल्म ने ऐसा काम कर दिया है कि बॉलीवुड में कोई भी नहीं कर सकता। जी हाँ पठान ने सेकंड डे पर सिर्फ इंडिया में ऑलमोस्ट 70 करोड़ की कमाई की है। क्यों लग गए ना 440 वोल्ट के झटके, कमाल की बात बताती हूँ। इससे बड़ा वीकेंड नंबर संजू फिल्म के पास था जिसने 3 दिन में 119 करोड़ की कमाई की थी इंडिया में, तो पठान ने वो नंबर सिर्फ 2 दिन में क्रॉस कर रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि इंडिया में 130 के आसपास इसका कलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया है। पद्मावत का जो रिकॉर्ड था इंडियन वीकेंड में सबसे बड़ा कलेक्शन था, वो भी आज टूटने वाला है, वहाँ भी पठान आगे निकल चुका है। ये किसी भी बॉलीवुड का एक रिकॉर्ड नंबर है, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। शाहरुख खान इज ऑफिशियली बैक, वो बादशाह कुर्सी पर बैठ चुका है। अब देखो आज है फ्राइडे, सेकंड डे के हिसाब से इसका कलेक्शन थोड़ा बहुत नीचे गिर सकता है बिकॉज ऑफ द होली डे, लेकिन पीछे है वीकेंड, सैटरडे संडे को देखना फिर से ये जंप करेगा और मिनिमम आप सैटरडे संडे को 90 करोड़ तो रख ही लो। इस हिसाब से मंडे को आराम से ये फिल्म 500 करोड़ को टच कर ही लेगी। हवा में बात नहीं कर रही हूँ, एडवांस बुकिंग बहुत सॉलिड है बॉस। नेक्स्ट बॉलीवुड की बड़ी फिल्म है कार्तिक आर्यन की शहजादा जो रिलीज होने वाली है 10 फरवरी को, तो ऑलमोस्ट पूरे 2 हफ्ते हैं पठान को जम कर कमाई करने के लिए। एकदम सोलो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं यहाँ पर, मतलब फिल्म का बजट 200-250 करोड़ और कमाई है 700 करोड़ से भी ऊपर की, क्योंकि पठान फिल्म तो सिर्फ एक झांकी है, जवान की एंट्री अभी आना बाकी है। वो फिल्म आपकी सारी शिकायतें दूर कर देगी, 1000 करोड़ का झटका लेके आने वाली है जवान फिल्म। तो चलो बताओ आप पठान फिल्म कैसी लगी, आपको देखी है कि नहीं देखी, या आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे मुझे कि देखना चाहिए या नहीं चाहिए, प्लीज आप अपना राय आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।